तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो आपकी मोस्ट डिमांडेड वीडियो आ चुकी है जीएस की स्टडी के बारे में, एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के बारे में। मेरे को कमेंट आ रही थी बहुत सारी टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर, तो वो वीडियो आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। जो मैं अपना कंटेंट पढ़ती हूँ, जो मैंने पढ़ा है पुराने ईयर्स में भी, जो मैंने एग्जाम दिया है लास्ट ईयर, कितना मेरा स्कोर रहा, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो जीएस के पोर्शन को चलते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ टॉपिक कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कितने कितने वेटेज के होंगे, तो वो मैं आपको वीडियो में चलते हैं। तो ये इस डायरी में मैंने सारा नोटबुक लिख रखा है, जो कि मैं आपके पास शेयर करूँगी। जीएस का सारा जो पोर्शन है ना, इसमें मैंने लिख रखा था, तो मैं वो आपको बता देती हूँ कि जीएस में कितने कितने पोर्शन थे, कितने कितने नहीं थे। तो सबसे हम पहले अपना बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट, जो कि तुम्हारा स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में मैंने अपने अकॉर्डिंग 13 टॉपिक कंप्लीट करे हैं, मतलब लिखे हुए हैं मैंने, और वो मैंने कंप्लीट रट रखे हैं। जैसे कि आप पूछो ही मत, और आपको भी रटने हैं तो वो टॉपिक जो एसएससी ज़्यादातर पूछती है किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी स्टेनोग्राफर, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, देन एसएससी जीडी। अगर आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, इन टॉपिक को जरूर पक्का कर लें। 6 से 8 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो पहला है हमारा शास्त्र नृत्य और उनकी कलाएं, जो भी क्लासिकल डांस वगैरह होते हैं उनकी, और फिर एक लोक नृत्य। तीसरा है त्यौहार और उत्सव। चौथा है वाद्य यंत्र, संगीत और चित्रकला। ये सारे टॉपिक है चार। और पांचवा है हमारा इम्पोर्टेंट पुस्तकें और लेखक। सिक्स है खेल। सेवन्थ है मंदिर और घराने। और एट है यूनेस्को साइट, राम सागर, रामसरन साइड है ना, वो है इसमें। और नंबर 9th है दिन और दिवस। नंबर 10th है भारत के पड़ोसी देश। 11वां है दिन और दिवस। और 12वां है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है। और 13वां है पुरस्कार। ये सारे टॉपिक है 13। इनकी 15 वीडियो नवीन शर्मा सर की पढ़ी हुई है, जो RW पे पढ़ाते हैं, इतना अच्छा कंटेंट देते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी वीडियो आपको अपलोड करा सकती हूँ। उनके चैनल पर रोजगार विजन के थ्रू भी पड़े हुए हैं, ऐसे CGL के नाम से भी हैं। और आप इससे बेहतर से बेहतर कैसे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगी, वो आप उससे पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम बुक की बात करते हैं। ये है नवीन शर्मा सर की बुक SSC के बारे में, जो भी एग्जाम हो, रेलवे, NTPC में, RCF, जो भी एग्जाम आने वाला है, आपसे वो पता है, फॉर्म भी चल रहे हैं, आप भी भर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे। तो ये बुक आप उससे ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये के करीब की है। इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं। देखो मैंने क्या हालत बना रखी है इस बुक की, मैं इसमें डेली पढ़ती हूँ, चाहे मेरे को याद भी या नहीं, देखो इतने सारे टॉपिक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि फालतू का टॉपिक हो, ऐसा ही सब कुछ भर रखा हो। वीडियो से आप वीडियो देखो, इसमें टिक करो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर उसको देन तैयारी करो। अब पूछोगे दीदी हिस्ट्री रहेगी, साइंस रहेगी, इकोनॉमिक्स वगैरह रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी, हम कहाँ से तैयारी करें? क्योंकि 50 क्वेश्चन आएंगे SSC स्टेनोग्राफर में। तो उसके लिए सबसे पहले एक ये बुक है लूसेंट की, आप सबने पढ़ा होगा, जो होंगे SSC के वो इस बुक से ज़रूर वाकिफ होंगे, सबके पास ही होगी। बट इसमें हर कोई व्यक्ति जो पढ़ते हैं ना, वो इसमें सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी कठिन है। क्योंकि मैंने ही पढ़ी थी तो मैंने बीच में छोड़ दी थी। वैसे बुक अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, बट बेसिक से आप तैयारी करो 12th के बाद, अभी से RCS की, SSC स्टेनोग्राफर की, तो ये बुक मैं थोड़ा कम प्रेफर करना चाहूँगी। क्योंकि जिसका बेसिक अच्छा है वही इस बुक को ले, बनता नहीं ले, और जिसका बेस अच्छा नहीं है तो वो कहाँ से पढ़े। तो सबसे पहले एक ये वाली बुक है दर्शन के नाम से है, ये है इसका यूनिक पब्लिकेशन। ये बुक मैंने अपना बेस करने के लिए की थी, इसमें सारे टॉपिक दे रखे हैं, चैप्टर वाइज सब कुछ है इसमें। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपसे अलग से पढ़ना पड़ो, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, सब कुछ इस वीडियो में। ये बुक ख़त्म करने के बाद आप देन या तो लूसेंट खरीद सकते हो, अगर आपको ज़्यादा पढ़ने का शौक है, नहीं तो आप ये वाली बुक लेना, लूसेंट की है ये। इसमें टॉपिक वाइज, जैसे इसमें से आपने एक टॉपिक कम्प्लीट किया लूसेंट में, थ्योरी वाले में, तो आप इसमें से क्वेश्चन लगा लो, लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन इस बुक में दे रखे हैं। तो इस बुक को आप जरूर प्रेफर करना, इसके बिना कुछ नहीं है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं एग्जामों में, और आपको पता भी होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी जब तक कुछ भी नहीं होने वाला। अब एक और क्वेश्चन था कमेंट थी कि दीदी हमारा RCF का एग्जाम है, उसमें साइंस ज़्यादा पूछी जाती है, तो साइंस हम कहाँ से पढ़ें, थोड़ा बहुत पढ़ लें तो चल जाएगा काम या नहीं चलेगा? तो उसके लिए एक और बुक है मेरे पास, ये है सामान्य ज्ञान के नाम से है, सामान्य विज्ञान, सॉरी
सामान्य विज्ञान है, ये हो गया अरियंत के नाम से, जिससे मैंने अपनी साइंस कंप्लीट की थी। वैसे मैं साइंस की फ्रेंड हूँ तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट रहते हैं ना उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप इस बुक से RPF NTPC जो भी रेलवे के एग्जाम है जिसमें आते हैं वो सबसे बेस्ट बुक रहेगी। जैसे SSC स्टेनोग्राफर में एक दो क्वेश्चन आते हैं, इतना नहीं कि ज़्यादा आते हो, तो वो आप नॉर्मली आप कोचिंग वोचिंग ले रखी हो आप वहाँ से कर सकते हैं, या फिर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी सेंड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर, मैं लिंक डाल दूँगा, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। तो ये बुक आप ज़रूर करना, और RPF NTPC की आप तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि उसमें साइंस 12 या 15 क्वेश्चन आएंगे, 25 में से, या जो भी 50 जितने क्वेश्चन हो आते हो उसमें से आधे क्वेश्चन साइंस के आएंगे। आप दीदी बोलोगे कि दीदी आप अपनी तैयारी कर सकते हो, बुक से हमारे समझ में भी नहीं आता है, तो उसके लिए देखो मेरे पास ये नोट्स हैं, ये मेरे सारे हिस्ट्री के जो भी नोट्स वगैरह हैं, मेरे सारे नोट्स मैंने आपके हैंड रिटन नोट्स से हाथ से लिखे हुए हैं। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने बुक से भी तैयार बुक से भी पढ़ी है, बस जो मेरे को लगते हैं पॉइंट वो मैं सारा लिख लेती हूँ, आप देख सकते हो। ये देखो आप पास से देख लो, आप ये सारे नोट्स मैंने अपने तैयार किए हुए हैं, अगर आपको चाहिए। ये पॉलिटी के हैं और जो हिस्ट्री वगैरह साइंस वगैरह के जो सारे हैं ना वो रखे हुए हैं लाइब्रेरी में, मेरे पास नहीं है तो इस चक्कर में मैंने आपको नहीं दिखाया। और एक और बुक थी मेरी रोजगार विदंकित के नाम से, ये लोग इतनी फेमस है, अब मैं उसे ही पढ़ रही हूँ, उसमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वो है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन बनते हैं, 100% श्योरिटी है, आप उसको ले सकते हो। मैंने अपने ब्लॉग में बहुत सारा उसका जिक्र भी किया है, अगर आप चाहते हो तो उस बुक को मैं पर्टिकुलरली कंप्लीट कराने का साहस करूँगी, क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ और आपको भी अपने साथ तैयारी कराऊँगी। और एक क्वेश्चन और था दीदी, ज्योग्राफी याद नहीं होती, नदियाँ याद नहीं होती, कौन सी जगह पर है देश याद नहीं रहते, तो आप ये एटलस आता है इससे आप मेरे मैप के थ्रू आप कोई भी टॉपिक पढ़ो मैप के थ्रू पढ़ना, ज्योग्राफी में इतना मज़ा आएगा ना आपको, सारी चीज रट जाएंगी। देखो मेरे कितने सारे मैप लगे हुए हैं, मैं अपनी तैयारी मैप से करती हूँ, ज्योग्राफी के नोट्स मेरे मैप से ड्रॉ हुए हैं, एक आध दो पॉइंट ऐसा होगा जो उसे मैं लिखती हूँ। तो ये सारा मेरा कंटेंट है पढ़ने का। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। मेरी एक और वीडियो पड़ी हुई है SSC स्टेनो वगैरह, उसमें तीनों के बारे में मैंने बताया गया है कि तीनों सब्जेक्ट को कैसे कवर करें। और आपको और भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक राधे राधे का।